डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को इंटर कराना, यानी अगर आप भी डेटा एंट्री करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप किसी सरकारी संस्थाओं में डेटा का काम मिल रहा है, तो आप किस तरीके से उसको एंट्री करा सकते हैं, यानी किस तरीके से आप उसको फीड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी से बात करने वाले हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी डेटा का काम करिए तो उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप एक्सेल में डेटा को इंटर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल को किस तरीके से चलाना है। उसके बाद अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं, जैसे अगर आपके पास बैंक का सॉफ्टवेयर है तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक का जो सॉफ्टवेयर है कैसे चलाया जाता है। तो अगर आपको कंप्लीट जानकारी रहेगी तभी आप डेटा एंट्री का काम करिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हमने एक हमारे पास RTO ऑफिस से कुछ डेटा का काम आया है, उसी से रिलेटेड आपको डेटा एंट्री कर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। तो अगर आप अच्छे तरीके से इन सबका डेटा एंट्री करना जानेंगे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले जाना है स्टार्ट पे। स्टार्ट में जाने के बाद आपका जो भी आप यूज करते हैं पैकेज, तो आप उस पैकेज को ओपन कर लीजिए। यानी हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का 2007। तो इसी में हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक्सेल ओपन कर लिया है 2007। यहाँ पे देखिए हमारा एक्सेल का सॉफ्टवेयर है जो कि आप जानते होंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें के बारे में याद रखना है। सबसे पहले किसी भी डेटा को इंटर कराने के लिए सबसे पहले आपको उसका डेटा का जो फॉर्मेट है फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है यानी जो हमारे पास RTO का डेटा है सबसे पहले उसको हम इंटर कराएंगे। तो उसको इंटर कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे भी इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसका नाम लिखना है। जैसे हमारे पास RTO का डेटा है तो यहाँ पे लिखते हैं RTO, यहाँ पे हम लिखते हैं RTO। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डेटा एंट्री। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेटा एंट्री लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने डेटा एंट्री लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से बाहर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी डेटा फिट करना है आप फिट कर लीजिए। लेकिन फिट करने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो स्टेप है उसका कितना डेटा हमारा रहना चाहिए, यानी जो हमारा फॉर्मेट है। जैसे अगर RTO का डेटा होता है तो उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लीजिए, नेम लिख लीजिए, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर डेट, ये सारे हम डेटा फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद आप कीबोर्ड से टैप प्रेस करेंगे, अगले कॉलम में चले जाएंगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है नेम, यानी आपका जो नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टैप प्रेस करना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है, यानी यहाँ पे हम फादर नेम लिख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर टैप प्रेस करना है और टैप प्रेस करने के बाद यहाँ पे DOB यानी आपका डेट ऑफ बर्थडे लिखना है, स्पेस देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, यानी जो आप एड्रेस देना चाहते हैं यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अगले कॉलम में लिखना है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन लिख दिया। उसके बाद टैप प्रेस करेंगे और अगर आपका देखिए एक दोनों में मिक्स हो जा रहा है तो आप इस यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको थोड़ा से कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे जैसे देखिए। और उसके बाद जो आपका जैसे सीरियल नंबर हमारा कम लेता है तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर को कम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आगे हम यहाँ पर लिखते हैं इंजन नंबर, यानी आपका जो बाइक का इंजन नंबर होता है उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं इंजन, यहाँ पे देख सकते हैं इंजन नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको टैप प्रेस करना है और उसके बाद इंजन नेम लिखने के बाद आपको चेसिस नंबर यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे चेसिस नंबर भी
क्या करते हैं, यहाँ से टाइप कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने 36 नंबर भी यहाँ से और टाइप कर लिया। उसके बाद फिर आपको टैप प्रेस करना है और यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर डेट है आपको वो टाइप करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं और व्हीकल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सपायर डेट टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने व्हीकल एक्सपायर डेट डाल लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फादर नेम सही है, DOB थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी हम थोड़ा से गैप दे देते हैं। आप अपने इच्छानुसार समझ जाइए कि कितना हमारा उतना गैप लेगा। जैसे यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर डेट कुछ इस तरीके से हमारा रहता है। या तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से क्या करिए, इसको इस तरीके से आप सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से रैप हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर हमारा है, इसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फीडिंग का जो डेटा एंट्री का तरीका होता है, आपको तरीका भी पता होना चाहिए। कभी भी आप डेटा एंट्री का काम करिए तो आप उसको कंप्लीट करिए। यानी अगर आप सीरियल नंबर लिखते हैं 1, तो 1 का जितना डेटा है आपको डेटा सारा डाल लेना है, ना कि आप 1, 2, 3 पहले नेम डालिए फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से हमारा डेटा मिसमैच हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से जब भी आप डेटा को इंटर कराएं तो एक कॉलम को कंप्लीट करें। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 2। देखिए, हमने दो कॉलम के यहाँ पे 1, 2 टाइप कर लिया। उसके बाद आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से जितना डेटा लेना है इस तरीके से प्लस के आइकन पे ड्रैग करते हुए चले जाना है। देखिए, 10 तक हम डेटा इंटर करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने 10 लोगों का ये डेटा इंटर करा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पे एक एक का नाम आपको टाइप कर देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एक का नाम टाइप कर देते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नाम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप भी क्या करिए, इसी तरीके से टाइप कर लीजिए। फादर नेम आप डाल सकते हैं, जैसा कि। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, आप डेट ऑफ बर्थ इजी तरीके से डाल सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ डालकर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो है आपका, एड्रेस को थोड़ा सी स्पेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा से आप बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस भी यहाँ से हम इंटर करा लेते हैं। उसके बाद स्पेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपके बाइक के नंबर प्लेट पे रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं UP। उसके बाद यहाँ से हम नंबर टाइप कर लेते हैं। इस तरीके से आपका जो भी बाइक नंबर होता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए, हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। इंजन नंबर भी आप इजी तरीके से यहाँ पे अगले कॉलम में यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंजन नंबर यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इंजन नंबर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इंजन नंबर टाइप कर लिया। 36 नंबर भी हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजन नंबर हम टाइप कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 36 नंबर हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमने 36 नंबर भी टाइप कर लिया। एक्सपायर डेट आपको टाइप करना है, जो भी आपका एक्सपायर डेट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सपायर डेट भी यहाँ से चॉइस कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हमने एक्सपायर डेट भी यहाँ से चॉइस कर लिया। उसी तरीके से आपको सेकेंड नंबर पे आना है। उसी तरीके से इस सबको हम क्या करते हैं, आपको फिल कर कंप्लीट दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कंप्लीट डेटा को इंटर करा लिए हैं। आप भी इस तरीके से जितना इंटर था आप करा लीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले सेट करने के लिए आप इसको क्लिक करिए, यहाँ से सेंटर कर लीजिए, यहाँ से कलर आप कोई भी फिल कर दीजिए, और यहाँ से आप थोड़ा सा क्या करिए, साइज को इंक्रीज कर लीजिए। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आप क्या करिए, बॉर्डर दे दीजिए। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये सारे हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप इसको और थोड़ा से सेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करिए। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इस तरीके से इसको ऊपर कर देना है और यहाँ से सेंटर कर देना है।
जो कि बहुत अच्छा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अच्छे तरीके से डेटा फिट हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला हमारा ऑप्शन आता है कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से फिट कर कर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन कि अगर आपके पास बैंक का डेटा है तो आप बैंक का डेटा कैसे फीड कर सकते हैं। तो सेम स्टेप वही रहेगा, बस आपको स्टेप थोड़ा सा इसमें अलग है। हम आपको कंप्लीट बताते हैं क्या स्टेप है। सबसे पहले नीचे आप जाइए, एक न्यू शीट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वही सिस्टम आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आप डेटा लिखना चाहते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक एंट्री। यहाँ पे हम जो भी डेटा एंट्री कराना चाहते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटर करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से बैंक एंट्री लिख दिए। उसी तरीके से अब आपको वही डेटा सेम प्रोसेस करना है कि क्या इसमें दिया जाए। तो जो हमारा बैंक का होता है, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने नेम टाइप कर लिया। थर्ड नंबर पर हमारा आता है फादर नेम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फादर नेम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद फोर नंबर पे आता है हमारा एड्रेस, जो कि यहाँ पे देखिए हमने एड्रेस टाइप कर लिया। और उसके बाद आपका बैंक, यहाँ से हम ले लेते हैं बैंक नेम, यानी आपका जो भी बैंक नेम है आप बैंक नेम ले लीजिए। उसके बाद आपका आता है आईएफएससी कोड, यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएससी कोड जो होता है आपका यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है अकाउंट नंबर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं अकाउंट नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ बैंक का डेटा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसको थोड़ा से हम सेट कर लेते हैं, यानी एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर को कम कर देते हैं, नेम को थोड़ा से ज़्यादा कर देते हैं, फादर नेम को भी हम थोड़ा से बढ़ा देते हैं, एड्रेस को भी हम थोड़ा से बढ़ा देते हैं, बैंक नेम अपने इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आईएफएससी कोड भी एक सीरियल होता है। अकाउंट नंबर को आप थोड़ा से ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा से हम एडजस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर हम इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रैप टेक्स पे क्लिक कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेना है। जैसे कि देखिए हमने सीरियल नंबर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर हो गया। आप क्या कर सकते हैं, जितना चाहते हैं आप उतना सीरियल नंबर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नेम है आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम टाइप कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट टाइप कर लिया। यहाँ पे फादर नेम टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका जो भी है, यहाँ पे एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो बैंक का नेम है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक नेम टाइप कर देना है। यहाँ से देखिए हमने बैंक टाइप कर लिया। आईएफएससी कोड आपका जो है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर लिया। उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है, आप यहाँ से क्या कर लीजिए, अकाउंट नंबर टाइप कर इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट अकाउंट नंबर फिट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको इजी तरीके से इन डेटा को देख लेना है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इन सबको क्या कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा से अलाइनमेंट कर लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए। इसी तरीके से सारे डेटा को क्या कर लेना है, फीड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने डेटा को इंटर किया, तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर का मैसेज आ गया, क्योंकि जो अकाउंट नंबर होता है देखिए हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपके अगर पहले कोई जीरो वगैरह आते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको पहले बैक कर देते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट नंबर में जीरो है, जैसे देखिए जीरो लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं तो देखिए हमारा जीरो नहीं लिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक होती है, ये ज़्यादातर अकाउंट नंबर में होता है, यानी जीरो हो जाता है। तो इसको कैसे सही करेंगे, सही करने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर ये देखिए एरो इस तरीके से दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। आपको पूरे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल पे जाना है, और जनरल पे जाने के बाद इसको नीचे आना है, और देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो अब इसमें अगर कोई आपका नंबर रहेगा तो आपका नंबर इसमें क्या होगा कि अब गलत नहीं होगा। जैसे हम देखिए 098 कुछ भी इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम इस अगले वाले कॉलम में क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए आपका जीरो नहीं लिखा रहा है,
लेकिन अगर इस वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, जैसे जीरो लिखते हैं, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो अगर हम इंटर करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से जीरो हमारे यहाँ से हट जाता है। या तो आपको क्या करना होता है कि आप नॉर्मल तरीके से कामा लगाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं जीरो जीरो जो भी आप टाइप करते हैं उसके बाद इसके आगे आप जीरो जीरो लिखते हैं, तब जाके ये होल्ड होता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे इसको सिलेक्ट करिए और आप यहाँ से जाकर टेक्स्ट लेकर इसको आप अकाउंट नंबर को फिट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमें डेटा को थोड़ा से प्रॉब्लम होगी इंटर करने में, तो एक शॉर्टकट इसमें और बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, जो कि एक तरीके से फॉर्म हमारा रेडी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से आपको ये इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जाना है यहाँ पे ऑफिस बटन पे, और ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया एक्सेल ऑप्शन, तो आपको क्या करना है एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल्स बार दिए हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आना है कस्टमाइजेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है फॉर्म, यानी आपका जो फॉर्म होता है उसको आपको यहाँ से फाइंड कर लेना है। इस पे क्लिक कर बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं, तो इसमें लिखा है कमांड नॉट इन द रिबन, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपके फॉर्म वाला बॉक्स है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे आपको नीचे एकदम आना है फॉर्म ईएफ से, जैसा कि देख सकते हैं हमें ईएफ से एकदम नीचे आना है। फॉर्म वाला हो सकता है नीचे हो या तो आपका बीच में भी हो सकता है ईएफ से। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे फॉर्म दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आपको कस्टमाइज बटन पे यहाँ पे आ जाएगा। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक फॉर्म का सेटअप यहाँ से रेडी होकर आ गया। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सीरियल नंबर जैसे 2 टाइप कर लीजिए, यहाँ से आप जो भी यहाँ से नेम टाइप करना चाहते हैं यहाँ से नेम टाइप कर लीजिए, फादर नेम आप जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, एड्रेस आपका जो है यहाँ से आप एड्रेस टाइप कर लीजिए, बैंक जो है आपका बैंक जैसे SBI हम डाल देते हैं, IFC कोड जो है यहाँ पे आप इजी तरीके से जो भी आपका मतलब IFC कोड डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर जो भी आपका यहाँ से आप इजी तरीके से डाल सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ से ये वाला डेटा इंटर होकर अगले कॉलम में रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये कितना अच्छा तरीका है, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं कि अपना डेटा को इंटर कराते हुए चले जाना। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम फिर से बैक वाले शीट पे चलते हैं। अब देखिए इतना हमारा डेटा है, अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितना आपको डेटा प्रिंट करना है आप उसको पहले इतना इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है पेज लेआउट में। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एरिया दिया है, या तो आप पेज मार्जिन और यहाँ से देखिए साइज दिया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके बाद आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है ऑफिस बटन पे और प्रिंट पे जाना है और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा पूरे पेज पे डेटा आ रहा है। अगर आपका डेटा पूरे पेज पे नहीं आएगा यानी डबल पेज पे हो जाता है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 2 पेज में दिया है, तो आप पेज सेटअप पे भी जाकर इसको थोड़ा से सेट कर सकते हैं। लेकिन आपको हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाना है और लैंडस्केप कर देना है। तो जैसे आप लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है थोड़ा से इसको सेट कर लेना है, यानी जो इसकी मार्जिन है इसको यहाँ से थोड़ा से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आपको फिर से क्या करना है यहाँ पे इंसर्ट में जाना और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारा डेटा कुछ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शो मार्जिन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको सबसे पहले जितने हमारे पास एरिया अननेसेसरी है इसको हटाना है। तो आपको क्या करना है मार्जिन पे जाना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग मार्जिन दिया है, आप इस मार्जिन का क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले पे क्लिक कर देना है, लास्ट वाले पे नैरो पे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रिंट प्रीव्यू अब लास्ट बार देखना है। तो जैसा देख सकते हैं हमारा पूरा डेटा अच्छे तरीके से हमारे प्रिंट पे आ जा रहा है, बस आपको यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, तो आपका जो भी प्रिंटर लगा रहेगा
इजी तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डेटा को इंटर कराते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।